जगह और जमीन मुकामा के जागीरा तन की साथ ढीला का भइल तोनी के गर्दन काले लसन और जौना के बल पर मोच के नोक ऊंचा करके घूमता रसन गर्दन कर गई लोग कल्ला सुझाव में लाइन में खड़ा हो कसन चल जूता उठाओ कपार पे धर चल जूता उठा के कपार पे धर न तो इतनी गोली मारब की सारा देर और संतान और जंगला हो जाए निकल जूता निकाल ध्यान से मोकामा के जूता नीचे गिरल तक गिरे से पहले उड़ा दे माला सहित फोटो में नजर आई बसन पानी में रह के मगरमच्छ से दोस्ती कर लिया ला बैरना याद रखिए सोना के जेवर और मोकामा के तेवर बहुत महंगा पड़ेला पहन के जब आदमी कसम लेवेला तब तू ही को बात मन में आवेला या तो मर जाएं या तो हम मार डालें लेकिन आपन वर्दी के कद छोटा ना होखे देब उ त ई सोचत होई कि जॉन कलेजा उ आपन माई के कोख से लेके पैदा भइल होई ओके दुनिया मर्द कह के सलाम करी और जॉन इंसान कोशिश करेला ओकर सब कुछ बर्बाद हो जाला और रउआ लोग उ आदमी के जूता उठा के सलाम कर लेनी अपने लोग के साथ मिलल ता लागल कि अपने लोग के साथे साथ हमार बदला भी पूरा होई बदला हाँ ओ लड़की के बदला जॉन आपन हाथ में मेहंदी लगा के ओकर इंतजार करत रहनी कि ओकर मांग में सिंदूर भर के ओकर आपन दुल्हन बना के आपन साथे ले जाई पर ओ अभागन ई भुला गई कि जेकरा खातिर उस सच समर के बैठल हई उस संग्रामपुर के थाना इंचार्ज रहे बेनुधर पटेल और ओ आपन दुल्हन से मिले सहरा बांध के ना बल्कि कफन ओढ़ के आई पर फक्र भाई कि वो मर्द रहे और आज यकीन हो गई कि ये वर्दी आप जैसा नामर्द के भी सम्मान बढ़ावेला और अभी भी मर्द होके के भ्रम होई तो ये चूड़ी पहन लीलो भ्रम टूट जाई ना मर्द कहेंगे जय हिंद सर अरे सर ऐसे सलूट मारते हैं जी जरा हाथ घुमा के सलूट मारा नहीं तो महेंद्र महतो साहब वर्दी उतरवा के खूंटी पे लटकवा देंगे जिंदगी भर वर्दी के लिए तरसते रह जाओगे मारो मारो सलूट मारो क्या हुआ महतो जी अरे भाई कैसा हवलदार है सलूट मारने नहीं आता है जी मार दो महतो जी कहीं के विधायक लग रहे हैं चावास वाह एक एक कहल जला देखा असली पहचान करे वाला नजर विधायक संग्रामपुर चंद्रमोहन पांडे अंग्रेजी पढ़े हैं किससे मिलना है आपसे मिलना है और आपको आपकी औकात बताना है आइए हाँ
विधायक जी, ये हमारी कुर्सी है। थी, अब नहीं है। तुम्हारा हमने ट्रांसफर करवा दिया है। तुम्हारे जैसे आदमी का भाग्य विधाता हमारे जैसा ही आदमी होता है, इसलिए आज के बाद मेरे पैरों में रहने की कोशिश करना, कभी खोपड़ी पे चढ़ने की कोशिश मत करना। एक आम आदमी को मोहरा बनाकर खुद के नाम के सामने मोहर लगाना चाहते थे। विधायक जी, काम तो हो ही रहा है, तभी तो आपके नीचे का पसीना मुंह पर आ रहा है। पसीना नहीं, खून का फब्बारा। बोल, खून का फब्बारा। मकामा के मोहर में स्याही नहीं, खून लगता है। शुक्र मना कि सिर्फ ट्रांसफर करवाया, नहीं तो तेरे करतूतों की खबर सरकार तक पहुंचा दूं ना, लात मार के बाहर निकला जाएगा, लात मार के। और कर भी कह सकते हो, तबादला किया ना, तबादले की तारीख 24 है और आज 23 तारीख है। पूरे 24 घंटे है तेरे पास। ये टेबल, ये कुर्सी और ये दफ्तर सब मेरे अंडर में है। और आपकी मेहरबानी से दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। तो क्या हुआ? मातो जी। यस सर। बंद कर दीजिए। अब ये बता अनपढ़ कि तूने एसपी की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे की? कैसे जरूरत की? अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि पुलिस का पावर क्या होता है। हम पुलिस वाले एक काम भी अच्छा कर देंगे तो जनता की नजरों में हीरो बन जाएंगे। और तू 100 काम भी करेगा ना तो भी पब्लिक में हीरो नहीं बन सकता। दुष्ट का दुष्ट ही रहेगा। बस यही फर्क है तेरे कपड़े और मेरे कपड़े के रंग में। तुझे कुर्सी के लिए मंदिर मस्जिद के मुद्दे बनाने पड़ेंगे, लेकिन एक एसपी की कुर्सी पर बैठने के लिए किताबों का पुलिंदा चाहिए। आज के बाद कभी भी पुलिस के सर पर चढ़ने की कोशिश मत करना, वरना चढ़ान के साथ चढ़ान के बाद उतरान भी याद रखना। और सुन, मैं तेरी कुर्सी पर जब चाहूँ बैठ सकता हूँ, पर तू मेरी कुर्सी पर 100 जन्म में भी नहीं बैठ सकता। गेट आउट। सर, विधायक जी को मैं भी सैल्यूट कर लूं क्या? और ऐसा सैल्यूट मारिए कि जब भी हमारी वर्दी का रंग दिखे तो इनकी होली के साथ दिवाली भी खराब हो जाए। हेलो दुबे जी। सर, जय हिंद सर। मेरा तो तबादला हो चुका है, इसलिए मैं आपकी ज्यादा तो मदद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक बात कहना चाहूंगा कि अगर पुलिस वाले चाहें तो बड़े से बड़े गुंडे साधु बन के कीर्तन करने लगेंगे। और हाँ, वर्दी और मिट्टी का रंग एक सा होता है। जी सर। जब जमीन जलती है सबको अपने पांव खुद संभालने होते हैं, उसके बाद मलबे के ढेर में सब दफन हो जाते हैं। इंसान या गुंडे कोई जिंदा नहीं बचता, कुछ मिलता है तो बस लाशें मिलती है। जय हिंद सर। दुबे जी, क्या बात हो गई? पाणे जी, पहला बेर तो ड्यूटी निभावे का टाइम आयला। अच्छा, तो ये पर कभी मन का कहता? वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमा। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वाह, रह रहे राहे राहगीर, रह न जाना राह में, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। माफ करी दुबे जी, ये राउर लिखल ना रहे लेकिन हमरो याद बा। अरे बाबरे, एक कदम बढ़ल तो एक आदमी घटल। मेरी हटी
तो सामने वाले की पटी बोले से पहले ना सोच ले कि सोना के जेवर और मोकामा के तेवर बहुत महंगा पड़ेला। तो सामने से वार कर दे, छुप के वार करे वाला कायर होला। कायर ना, शेर। शेर जब दो कदम पीछे लेना तो मतलब दुगना ताकत से वार करे। राज तोरे ऊपर ना रहे, ये जाके लोग पे करे कबा। तोरा खून से वो मील के पत्थर फिर लाल हुई, लेकिन अब की लिखावट साफ रही। केहू भी सिवान के भीतर आवत से पहले पड़े अपनी अकड़ अपने जेब में, मुकामा जियो किलोमीटर। चल जा।